हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। अभी अभी यूट्यूब पर द ग्रे मैन का ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। इसे हिंदी, तमिल, इंग्लिश तीनों में रिलीज़ किया गया है। इस ट्रेलर को देखने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कल से, क्योंकि कल हमें बता दिया गया था कि आज इसका ट्रेलर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस ट्रेलर को देखने के लिए मैं क्यों उत्साहित था, इसके पीछे कुछ बहुत बड़े बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं रूसो ब्रदर्स, जिन्होंने एवेंजर्स, एवेंजर्स एंड गेम और भी बहुत सारे मार्वल की मूवी को डायरेक्ट किया है। नंबर दो, धनुष। जी हाँ, धनुष, जो कि हमें इस फिल्म के पोस्टर में दिखाए गए थे। मुझे लगा था कि धनुष का इस फिल्म में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होने वाला है, वो एक लीड एक्टर के तौर पर काम करने वाला है, लेकिन मैं गलत था। इस मूवी में शायद धनुष एक कैमियो या फिर एक्सटेंडेड कैमियो के तौर पर आने वाले हैं। तीसरा कारण है क्रिस इवांस। जी हाँ, हमारे कैप्टन अमेरिका, उन्हें देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और यही कुछ कारण हैं जिन्हें देखने के लिए मैं इस ट्रेलर को एक्साइटेड था, और ये ट्रेलर मैंने देख लिया है। सो अगर बात करें इस ट्रेलर की, तो इस ट्रेलर में शुरुआत होती है एक सीरिया प्रोग्राम के बारे में, जिसमें हमें बताया जाता है कि सीरिया प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी अनऑफिशियल आदमी को भेजते हो कुछ मिशन पर, जिसमें कि आप गवर्नमेंट से उससे बता नहीं सकते कि आपने उसे भेजा है, लेकिन आप उसे पर्सनल तौर पर भेज रहे हो कोई काम को पूरा करने के लिए। इसमें हमें लॉयड नाम का एक आदमी, जो कि हमारे क्रिस इवांस साहब हैं, वो द ग्रे मैन को पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। इस फिल्म में बात करें अगर एक्शन के, तो बहुत ही ज़्यादा कड़क देखने मिल रहा है। धनुष का एक कैमियो रोल है, लेकिन वो भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसे बहुत अच्छी तरीके से शूट किया गया है। पूरा ओवरऑल देखा जाए तो डायलॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जब वो एक लड़की पूछती है द ग्रे मैन से कि क्या तुम्हें चोट लगी है, तो वो बोलता है हाँ, मेरे ईगो को चोट लगी है। भाई साहब, डायलॉग अच्छा है, एक्शन अच्छा है, एक्शन थ्रिलर मूवी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ट्रेलर। 22 जुलाई को ये नेटफ्लिक्स पर आने वाली है। आपको कैसा लगा ये ट्रेलर, अगर आपने देख लिया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं बताता आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए गुड बाय।